हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम हर वो टॉपिक क्लियर करेंगे जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और उसके अलावा यहां पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डिजीज भी बताऊंगा जो इस टॉपिक से अक्सर पूछी जाती है। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि जब माता और पिता का आपको ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह दे रखा हो और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप आपसे पूछ लिया जाए तो उसे 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये सीखेंगे। और हमेशा की तरह लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे जिसमें लास्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा कार्ल लैनिस्टीनर, और इस बात के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आपको ये तो पता ही होगा कि हर मनुष्य में सेम ब्लड ग्रुप नहीं होता, यानी कि किसी में कुछ और तो किसी में कुछ और तो किसी में कुछ और, और इसका कारण है उनके ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले प्रोटीन जिन्हें कहते हैं एंटीजन, हिंदी में बोले तो प्रतिजन। और इसी एंटीजन के कारण हम कहते हैं कि मनुष्य में चार तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आपके आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आपके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। अगर आपके आरबीसी की सरफेस पे न तो एंटीजन ए है न एंटीजन बी है, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर होगा एंटीजन, बिल्कुल होगा भाई। आप देख सकते हैं आपके आरबीसी की सरफेस पे अगर ए वाला एंटीजन है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए वाला। अगर बी वाला है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी वाला। अगर ए बी है और बी बी है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। यानी कि ब्लड ग्रुप के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर होगा एंटीजन यानी कि प्रतिजन, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लड में एक अपोजिट प्रोटीन भी होते हैं जिसे कहते हैं एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, तो जो भी डिजीज या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, उनके खिलाफ ही लड़ाई करता है, उनको ख़त्म करता है और आपको बीमार होने से बचाता है। तो एक प्रोटीन तो हमने देखा जो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सरफेस पे, जिन्हें क्या नाम दिया, एंटीजन, और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। और दूसरा प्रोटीन हमने देखा जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, उनको क्या नाम दिया, एंटीबॉडीज। इसी तरह से एक तीसरा प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि पाया जाता है आरबीसी की ही सरफेस पे, और उसका नाम है आरएच फैक्टर, और इसे हिंदी में भी आरएच फैक्टर ही कहते हैं। और आरएच का पूरा नाम एक बार पूछा भी जा चुका है। अगर बात करें कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो इसको खोजा था कार्ल लैनिस्टीनर ने। हाँ जी, कार्ल लैनिस्टीनर ने। और सबसे पहले इस प्रोटीन को, भाई ये भी तो एक प्रोटीन ही है आरएच फैक्टर, तो इस प्रोटीन को सबसे पहले खोजा गया था कार्ल लैनिस्टीनर के द्वारा, किसमें, रिसेस प्रजाति के एक बंदर में। तो उस वक्त देखा कि इस प्रोटीन को नाम क्या दें, तो सबसे पहले किसमें खोजा, रेसेस प्रजाति के बंदर में, तो क्या यहीं से इसका नाम से हमने दो लेटर उठा लिए आरएच, और यहीं से प्रोटीन का नाम क्या रख दिया, आरएच फैक्टर। तो आपको याद रखना है आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैनिस्टीनर। और उसके अलावा आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यदि ब्लड में आरएच फैक्टर है तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी की ही सरफेस पे। अगर आपके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो बस सिंपल है, आरएच फैक्टर होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर नहीं होगा ब्लड में तो फिर आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होता है। और दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लोग वो पाए जाते हैं जिनका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उनके ब्लड में आरएच फैक्टर मौजूद है, ठीक है। तो मैं अब आपको एक फिगर बताऊंगा और वहां से हम क्लियर करेंगे ब्लड ग्रुप, उसका एंटीजन, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है और आरएच फैक्टर क्या होता है। हमने शुरुआत में देखा था मनुष्य में चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा, मतलब आपके ब्लड ग्रुप के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका एंटीजन। जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एंटीजन पता लगाने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने कहा एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी, तो बताइए उसका एंटीजन कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है बी ही होगा, ठीक है। तो जैसा एंटीजन होता है वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है। अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी, तो हमेशा याद रखना एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन ए ही होगा, और एंटीबॉडी कैसा होगा, उल्टा होता है, तो एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी क्या होगा, ए। अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी की तो एंटीजन
ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। और ये कहाँ पे होते हैं एंटीजन? आरबीसी सरफेस पे होते हैं, हम देख चुके हैं। अगर बात करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप में कि कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो याद रखना स्पेशल केसेस में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें कौन से एंटीजन होते हैं, तो ये हम देख चुके हैं आरबीसी की सरफेस पे अगर कोई भी एंटीजन ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो याद रखना आपका ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। अगर बात करेंगे इसमें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी इसमें ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वो क्या है, ए पॉजिटिव, और मैंने आपसे पूछा कि उसके ब्लड में आपको एंटीजन बताना है, एंटीबॉडी बताना है और आर एच फैक्टर बताना है प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पता है कि जैसा एंटीजन होता है वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है। तो एंटीजन तो क्या आ जाएगा, ए, एंटीबॉडी इसका उल्टा होता है तो आंसर क्या होगा, बी। और आर एच फैक्टर के लिए हम देख चुके थे अगर ब्लड में आर एच फैक्टर होगा तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, आर एच फैक्टर नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। तो ये कौन सा है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका मतलब आर एच फैक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ओ वाला। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आंसर यहां से हम निकालेंगे कौन सा वाला, ए बी वाला। अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, हम देख चुके हैं, यानी कि कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है। एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षी, तो ये किसी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कोई से भी व्यक्ति का आप खून चढ़ा सकते हो। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सर्वग्रहता, किसी भी ब्लड ग्रुप का आप खून इसे चढ़ा सकते हो। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन यानी कि प्रतिजन नहीं है, यानी कि ये कोई पंगा नहीं करेंगे, यानी कि इस ब्लड ग्रुप को आप किसी को भी दे सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है वो एक यूनिवर्सल डोनर है, एक सर्वदाता है। अब देखो इसे याद कैसे करना है, मैंने बता तो दिया आपको, ठीक है। जो ए बी होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है यूनिवर्सल, और जो ओ होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, देखो याद ऐसे करो, ए बी से हम बोल लेंगे अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन को सब प्यार करते हैं, अमिताभ बच्चन को मेरा प्यार भी मिलता है, अमिताभ बच्चन को आपका प्यार भी मिलता है, अमिताभ बच्चन को किसी लड़के का भी मिलेगा, लड़की का भी मिलेगा, काले का भी मिलेगा, गोरे का भी मिलेगा, लंबे का भी मिलेगा, छोटे का भी मिलेगा, यानी कि हर कोई अमिताभ बच्चन को प्यार दे रहा है, तो अमिताभ बच्चन सबसे ले रहा है। समझ में आ रही है ट्रिक? तो अमिताभ बच्चन सबसे लेने का काम करता है, तो सबका मिल रहा है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो ए बी क्या करता है, सबसे लेता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा ए बी क्या है, आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ओ को भी हम इसी स्टोरी से देख लेंगे। हमने कहा अमिताभ बच्चन, ये अमिताभ बच्चन है, इसको सब लोग दे रहे हैं, और ये सब क्या है, अदर। सब अदर में आते हैं, सब दूसरे लोग। ठीक है, सब दूसरे लोग, दूसरे को क्या बोलते हैं, अदर, और अदर क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, तो ओ से अदर, तो ये क्या करते हैं, अदर, देने का काम। ओ क्या करता है, देने का काम, तो ओ क्या है, आपका यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है। तो इस तरह से याद हो जाएगा एस बी क्या है, आपका सर्वग्रहता यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ क्या है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। और इसमें भी आप याद रखेंगे जो ए बी पॉजिटिव होता है वही होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ नेगेटिव ही आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। और ये आपके बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस पूरी दुनिया में कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखना ए बी नेगेटिव सबसे कम पाया जाता है और ओ पॉजिटिव आपका सबसे ज़्यादा पाया जा सकता है। ये फिगर भी आप देख सकते हैं, ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ए बी नेगेटिव आपका सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ से आप देख लो कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो हमने बात करी थी जो ओ वाला होता है वो तो यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है, सर्वदाता होता है, ये तो सबको डोनेट कर सकता है। ये देखो अब ए वाला ए को देगा और ए बी को देगा, बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा, और ए बी वाला केवल ए बी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है ए और दूसरा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, अगर ए का रक्त बी को या फिर बी का रक्त ए को चढ़ा देता हूँ, तो जिसको रक्त चढ़ाया जा रहा है उसकी मृत्यु होगी या नहीं होगी, ये आप बताएंगे या हम बताएं? अरे हम बता देते हैं। तो उस व्यक्ति को यानी कि जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, जान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों की एंटीबॉडीज अलग है ना भाई, एक पाकिस्तानी है तो दूसरा हिंदुस्तानी है, तो उनके बीच लड़ाई तो निश्चित है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, इनके शरीर में रक्त का थक्का जम जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इनके ब्लड ग्रुप अलग हैं तो इनके एंटीबॉडीज़ भी अलग होगी, एंटीबॉडीज़ अलग हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और उस कारण से जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है
उसके शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में या तो उसकी धमनियां यानी कि आर्टरीज फट जाएंगी या उससे पहले इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब इसकी मृत्यु निश्चित है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अब मैंने क्या करा, इन दोनों का ब्लड ग्रुप हमने कर दिया सेम, यानी कि एक का ए पॉजिटिव एक का ए नेगेटिव, यानी कि दोनों का एंटीजन तो क्या हो गया सेम हो गया, एक का ए और दूसरे का भी ए, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया प्लस और माइनस का। प्लस माइनस मतलब समझ गए, प्लस वाले मतलब हो गया इसके ब्लड में आरएच फैक्टर है, और नेगेटिव वाले का मतलब क्या हो गया इसके ब्लड में आरएच फैक्टर एब्सेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक का रक्त दूसरे को चढ़ा देता हूँ, तो जिसको रक्त चढ़ाया जा रहा है उसकी मृत्यु होगी या नहीं होगी, ये आप बताएंगे या हम बताएं? अरे ये भी हम बता देते हैं। तो देखिए, पहली बार में यानी कि फर्स्ट टाइम जब ट्रांसफ्यूशन किया गया इसके में से, इसको ब्लड दिया गया, तो फर्स्ट टाइम में तो ये मरेगा नहीं, ये सरवाइव कर जाएगा, ये जिंदा रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने भविष्य में इस व्यक्ति को यही सेम ब्लड वापस चढ़ा दिया तो दूसरी बज्जी में दूसरी बारी में तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट टाइम में तो ये मरा नहीं लेकिन दूसरे टाइम में ये मर गया? तो सुनो, देखो, हमने कहा इन दोनों का ब्लड ग्रुप तो क्या है सेम है, यानी कि इनका एंटीजन तो क्या है सेम है, ए और इसका भी ए, लेकिन डिफरेंस किसका है पॉजिटिव और नेगेटिव का, यानी कि आरएच फैक्टर का दोनों में डिफरेंस है। तो शुरुआत में तो ये आरएच फैक्टर की मात्रा कम होती है, तो पहली बार जब मैं पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को चढ़ाऊंगा, यानी कि जब पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव वाला इसको झेल लेगा, लेकिन उसके बाद दूसरे की बॉडी में यानी कि जिसको खून चढ़ाया जा रहा है उसकी बॉडी में पॉजिटिव के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव के खिलाफ। और अब जब भी फ्यूचर में भविष्य में फिर से ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव वाले को चढ़ाया जाएगा तो इस बार इसकी बॉडी में इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके शरीर में हो जाएगी क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, यानी कि रक्त का थक्का जम जाएगा और इसकी हो जाएगी मृत्यु। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब ये वाला केस हो यानी कि दोनों का एंटीजन सेम हो और आरएच फैक्टर अलग हो तो जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो फर्स्ट टाइम तो जिंदा रहेगा, लेकिन दूसरी टाइम अगर यही आपने हरकत कर दी तो वो मर जाएगा। ठीक है, और इसी कंसेप्ट से मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताता हूँ। चलिए, अब मैं आपको एक डिजीज़ के बारे में बताता हूँ, उस डिजीज़ का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। उससे पहले आपको मैं जनरल चीज़ बता देता हूँ कि अगर पिताजी कैसे हैं आरएच पॉजिटिव, माताजी कैसी हैं आरएच पॉजिटिव, तो बच्चा होगा वो कैसा होगा सामान्य, यानी कि ये कंडीशन को सामान्य बोला जाएगा। पिताजी अगर नेगेटिव हैं माताजी नेगेटिव हैं तो सामान्य कंडीशन कहा जाएगा। पिताजी अगर नेगेटिव हैं माताजी अगर पॉजिटिव हैं तो भी ये सामान्य कंडीशन है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर पिताजी कैसे हैं पॉजिटिव माताजी कैसी है नेगेटिव, तो ये वाली जो कंडीशन है इसे असामान्य एबनॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। इस चौथी कंडीशन में ही आपका जो पहला बेबी होता है वो तो आपका नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी बेबी होंगे जितने भी बच्चे होंगे वो सारे मरे हुए पैदा होंगे, या अगर किसी तरह वो बच भी गए तो वो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार पैदा होंगे, और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। चलो मैं समझाता हूँ कैसे, अब मैं आपको बिल्कुल डायग्राम से क्लियर करता हूँ। पिताजी कैसे हैं पॉजिटिव, माताजी कैसी है नेगेटिव, और अगर पहला बच्चा कैसा है आपका पॉजिटिव तो पहला बच्चा तो आपका डिलीवर हो जाएगा सेफली, लेकिन इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो सारे मरे हुए पैदा होंगे, या अगर किसी तरह वो बच भी गए तो हमने कहा था वो शारीरिक या मानसिक रूप से कैसे होंगे बीमार पैदा होंगे। अब मैं आपको पूरे डायग्राम से समझाता हूँ कैसे क्या है। पिताजी पॉजिटिव, माताजी कैसी है नेगेटिव। अब आरएच नेगेटिव वाली माता के गर्भ में आरएच पॉजिटिव वाला शिशु है, इसे आरएच पॉजिटिव इसके पिताजी से प्राप्त हुए, तो शिशु में जो आरएच पॉजिटिव रक्त है उसकी कुछ मात्रा माँ में चली जाएंगी और ये पहला बच्चा सुरक्षित और जिंदा डिलीवर हो भी जाएगा। लेकिन ये जो आरएच पॉजिटिव जो माँ में गया इस पहले बच्चे से, वो माँ के लिए एंटीजन का काम करेगा, ठीक है, जिस कारण माता के रक्त में आरएच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। और जब ये माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट होंगी और दूसरी बार भी बच्चा कैसा है आरएच पॉजिटिव, तो यह एंटीबॉडी जो माँ के रक्त से बच्चे को आहार के रूप में प्राप्त होगा, उस बच्चे के शरीर में यह एंटीबॉडी एंटीजन का काम करेगा और उस बच्चे के आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, और इस अवस्था को ही क्या कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, और इस बीमारी को ही क्या कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब देखो, इस बीमारी को भी हम पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको नाम बताता हूँ एक बार। एरिथ्रो मतलब क्या होता है, हमने कहा था इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी, और फिटेलिस यानी कि भ्रूण, फिटेल यानी कि भ्रूण, और ब्लास्टोसिस से मतलब ब्लास्ट हो जाना,
ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसका संधि विच्छेद करो आपको मतलब समझ में आएगा, यानी कि भ्रूण में ही आरबीसी का ब्लास्ट हो जाना, उसका नष्ट हो जाना, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। और अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि माता और पिता का अगर ब्लड ग्रुप दे रखा हो और बच्चे का आपसे ब्लड ग्रुप पूछा हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 10 सेकंड के अंदर अंदर, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो ये है पुरुष, ये है महिला, इनका ब्लड ग्रुप आपको गिवन है ए पॉजिटिव, इनका है बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि याद रखना हर किसी के आपको दो गुण लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए था तो क्या लिख दिया, आई ए, और कुछ नहीं है तो क्या लिखना है, आई ओ। सिमिलरली यहाँ पे बी था तो आई बी, और कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया, आई ओ। सपोज यहाँ पे अगर इसका ब्लड ग्रुप क्या होता, ए बी, तो मैं क्या लिखता, आई ए और आई बी। अगर इसका ब्लड ग्रुप होता ओ तो क्या लिखता, आई ओ और आई ओ, ठीक है। ये लिखने के बाद, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद, सबकी एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग कराएंगे, यानी कि इसकी इन दोनों के साथ, इसकी इन दोनों के साथ। और हमेशा याद रखना, अगर ए की लड़ाई होगी ओ से तो ए जीतेगा, बी की लड़ाई होगी ओ से तो बी जीतेगा, जीतेगा मतलब वो डोमिनेंट रहेगा। चलो हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो आई ए की सबसे पहले कराई हमने आई बी के साथ, तो क्या आ जाएगा, आई ए आई बी। आई ए की कराई हमने आई ओ के साथ, तो कौन जीतेगा, आई ए। आई ओ की कराई आई बी के साथ, तो कौन जीतेगा, बी और ओ में लड़ाई होगी तो बी जीतेगा, यानी कि आई बी। और आई ओ और आई ओ के बीच में कराया तो हमने आई ओ ही आएगा। अब क्या करना है, सबके नीचे से आई हटा दो तो क्या बच जाएगा, ए बी, फिर ए बी और ओ, यानी कि इन दोनों का जो बच्चा होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अब हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये तरीका ना पढ़ के ये वाला पढ़ा हो, तो बात तो एक ही है। इसमें क्या करना है, आई ए और आई ओ है, आई बी और आई ओ है, उसको इस तरह से रख लो, ज़रूरी नहीं है इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इस वाले को नीचे रख लो, इस वाले को ऊपर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉसिंग करा देंगे, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे कॉलम और रो में क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में क्या आ गया, आई ए आई बी। इसकी इसके साथ कराई तो आई बी आई ओ, और नीचे वाले में कराई तो आई ए आई ओ, और इसमें आई ओ आई ओ, ठीक है। और हमें पता है आई हटा देंगे तो ए बी, और यहाँ से क्या बच जाएगा, आई ओ को महत्व नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, बी, और इसमें ए और इसमें ओ, यानी कि फिर से बात तो वही आ गई कि जो बच्चा होगा इन चारों में से, इन चारों में से उसका कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब आप लोग के माइंड में आ रहा हो, ब्लड ग्रुप तो हमने निकाल लिया, लेकिन प्लस और माइनस साइन का क्या, हमें कैसे पता लगेगा उसका आर एच फैक्टर क्या है। तो देखो, माता और पिता अगर दोनों आर एच पॉजिटिव हैं तो जो बच्चा होगा वो भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हैं तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमेशा की तरह टेस्ट भी लगा लेते हैं, तो देखते हैं टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त के ए बी नेगेटिव वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त, ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ए बी नेगेटिव वाला पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है वो किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो हमने कहा था ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी वाला। चलिए अगला देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो हमने कहा था यूनिवर्सल डोनर, यानी कि अमिताभ बच्चन को सब दूसरे लोग प्यार देते हैं, सब लोग देते हैं और वो दूसरे होते हैं, ठीक है, तो दूसरों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अदर, ओ, तो आंसर क्या होगा, ओ, यानी कि डी वाला। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये पूछ रहा है अगर माता और पिता दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए, तो बच्चे का क्या होगा। तो देखो इसको हम निकाल सकते हैं, क्या होगा आप निकाल के बताइए क्या होगा, हम यहाँ देखते हैं, हमने कहा ये रहा माता का और ये रहा पिता का, तो इसको निकालना कैसे दिखाता है, इसको क्या लिख देंगे, आई ए और आई ओ, इसका भी आई ए और आई ओ, क्रॉसिंग करा देंगे इसकी इसकी, तो आंसर होगा ए, इसकी इसकी कराएंगे तब भी ए ही डोमिनेंट होगा, और फिर इसकी और इसकी कराएंगे तब भी ए ही डोमिनेंट होगा, फिर इसकी और इसकी कराएंगे तो ओ डोमिनेंट होगा, यानी कि या तो ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा ए या फिर होगा ओ, तो आंसर क्या होगा, ए या फिर ओ, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्रहता वाला कौन सा है, तो हमने कहा था अमिताभ बच्चन सबको मिलता है, अमिताभ बच्चन को सबका प्यार मिलता है, अमिताभ बच्चन सबसे लेता है, तो आंसर क्या होगा, ए बी अमिताभ बच्चन। चलिए अगला देखते हैं क्या है, रक्त समूह ए बी पॉजिटिव यानी कि ब्लड ग्रुप जो ए बी पॉजिटिव है वो किसके रूप में जाना जाता है, तो हमने कहा था ए बी से यानी कि अमिताभ बच्चन जो एक्सेप्ट करता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्रहता। अगला देखिए, मानव में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो चार, ए बी ए बी और ओ, ठीक है, तो आंसर होगा चार। अगला देखिए क्या है, ये पूछ रहा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किन किन को ब्लड
डोनेट कर सकता है। तो ये देखो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किन किन को कर सकता है, तो ओ से अदर लोग, तो ओ तो सबको डोनेट कर सकता है, तो आंसर क्या होगा, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी, यानी कि आंसर होगा सभी। आपको बताना है कि उस व्यक्ति का रक्त क्या होगा जिसके रक्त में कोई एंटीजन नहीं है। तो हमने कहा था वैसे तो एंटीजन ही डिसाइड करता है किसको, ब्लड ग्रुप को, लेकिन एक ऐसा भी ब्लड ग्रुप है यानी कि अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, ओ। तो आंसर होगा इसका ओ, यानी कि डी वाला। चलिए अगला क्या है, अगला पूछ रहा है कि मानव रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर रखा जाता है, तो किसके आधार पर रखा जाता है, एंटीजन। आंसर क्या होगा, एंटीजन यानी कि प्रतिजन। अगला देखिए, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, यस सर भाटा, यस सर, आंसर होगा तीन, चार तो ब्लड ग्रुप होते हैं तो एंटीजन का आंसर होगा तीन। याद रखना एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे मैं पूछता कि एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं तो उसको भी याद रखना पांच प्रकार के, तो एंटीजन तीन और एंटीबॉडी पांच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।